चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो किसी कानूनों का विरोध चल रहा है 3 महीने से, हम उनका विरोध कर रहे थे। पुलिस भी थी, उनके गुंडे भी थे, बहुत थे। कोई पिस्टल ले रहा था, जो मेरे बड़े बुड्ढे थे उनका भी पिटाई करी उनकी बहुत ज्यादा। भाई बहिष्कार वाली बात आगे करेंगे हम। बहिष्कार आपको ये चोट कैसे है, क्या हुआ था आपके साथ? निशन जी बालियान के जो समर्थक आए थे, उसकी गैल थी, उन्होंने चोट मारी। अच्छा, क्यों, क्या कारण था उसको मारने का? हम किसान एकता के नारे लगाए थे, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा। बब्बर टिकैत अमर रे, बब्बर राकेश टिकैत जिंदाबाद, हम ये नारे लगा रहे थे। कृषि विरोध का विरोध कर रहे थे हम, तो जो किसी कानूनों का विरोध चल रहा है 3 महीने से, हम उनका विरोध कर रहे थे, हम उसके नारे लगा रहे थे। तो उन्हें पता नहीं क्या गुस्सा आया, दोनों एक टंडे पंडे ले रहे थे अपनी गैल में, जो उसकी गैल उसके समर्थक थे, उन्होंने आगे हमारे पर लट्ठी चार्ज कर दी। हाँ, 5-7 लड़के थे, 2-4 बुजुर्ग भी थे बेचारे, उनके भी चोट चाट लगी। पहले तो उन्होंने हाथ मारी, हाथ पर फिर एक सिर में लगी, सिर में लगते ही चक्कर आ गए जी। चक्कर आ गए मत हमको आके गिर सी पड़ा, फिर ये खींच के मुझे भीतर ले गए, 2-4 और थे बुढ़े भी पंडे थे भीतर, हमने जाकर भीतर मुफड़ा भेड़ लिया। मगर वह इंदा जान बच जाओ किसी, तो उन्होंने क्वाड भी तोड़ने की कोशिश करी, क्वाड में इतनी लात मारी कहीं कहीं ने, क्वाड का मुफड़ा मोड़ रखा। अगर क्वाड खुल जाते शायद वो जनता मार देते। और जिसमें हमने संजीव बालियान को वोट भी दे रखी, हर 2 योजना लड़ा, दोनों योजना में उसकी गैल रहे, उसके उमेश मलिक भी दाया गया, उसका स्वागत भी करा, पर फिर भी हमें इसका परिणाम यह मिला जी हमें। पुलिस भी थी, उनके गुंडे भी थे, बहुत थे। कोई पिस्टल ले रहा था, जो मेरे बड़े बुड्ढे थे उनका भी पिटाई करी उनकी बहुत ज्यादा। कौन कौन? मुझे भी धक्का मुक्की करे बहुत ही। अच्छा। मैं फिर गया का नुअड़ गई अपने दरों के आगे, मगर भीतर तो नहीं लगने दूंगी से बच्चों को, मैं चोट नहीं लगने देने की बिल्कुल। गाँव वालों तो मैं बहुत गुस्सा है, ढेर गुस्सा आया गाँव वालों को, तो हमें भी इतना ही गुस्सा है। संजीव बालियान बहुत गुस्सा आया, जो हमारे घर मकान पे आगे करके चलो मार पिटाई थी, बाहर मेटा मार पिटाई रखते हुए वे अंदर के बड़े बच्चों के पीछे ऐसा करना था ना गांव में आकर। मारी मार बहन और कोई नहीं था, उनके आगे भी आज था, मैं गेट दिखा दूं, वो गेट देख कर देखो क्या अत्याचार, उस तक ही पता लग जाएगा यहाँ क्या तांड हुआ होगा। और शुरुआत कर दी और खत्म हम करेंगे। मैं तो अपने युवा साथियों को और अपने बुजुर्गों को और भाइयों को ये एक ही बात कहना चाहूँ, भाई बहिष्कार वाली बात आगे करेंगे हम बहिष्कार। और ये कहते गाँव गाँव, एक बार आप मौका तो दे दियो, इब दे दियो मौका और पता लग जाएगा बस क्या हुआ बहिष्कार। हमारे गांव में 2014 में जो दंगा हुआ था वह खाई बिल्कुल पट गई। अब झांसी 36 बिरादरी सब एक जगह है, सब एक बाण भाई हैं, सब एक जगह खावे पिए रहे से हैं, वो इन्हें सहन नहीं हो रहा, उसे मैं फूट गिरने के लिए आई ये काम कर रही। एक नारा था, सीमा पे जवान खेत में किसान, सरकार कहो चाहे दूसरे के कड़े सिर हाथ पूछो जाओ, अन्य सरकार खुद इस बात के लिए जवाबदेही है कि तुम्हारी यो कौन सी पॉलिसी है कि आज किसान और जवान दिल्ली में आमने सामने खड़ा, देश के दुर्भाग्य के लिए इससे बड़ी घटना। आखिर जब कोई आएगा मंत्री तो क्या किसान उससे नहीं पूछेगा हमारे गन्ने का दाम कब मिलेगा? पूछेगा जी। तो उस पर हमको नाराज होने की क्या जरूरत है? और अगर वो जवाब नहीं देंगे भैया राजनीति में गलत काम करोगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद सब तरह के नारे लगेंगे, उसका मतलब ये थोड़ी क्या आप उनकी बिजाई करो। आप सुनिए या जवाब दे दीजिए, सेटिस्फाई कीजिए लोगों से, बात कीजिए लोगों से। और बड़ी कोशिश आज कर रहे हैं लोग, अभी तक ये नहीं समझा पाए थे, अभी समझाने में लगे हुए हैं। हमको कहते हैं जाति वाले, लेकिन ये लोगों को बांटने का काम है। अगर आप बच जाओगे तो फिर इनको कोई चिंता होने वाली नहीं है, ये लड़ाई लड़नी है लेकिन हम जीतेंगे। हम जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, इस कानून में खराबी क्या है? बार बार
लिए कोई बताए तो क्या खराब है।